नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से की गई जमकर फायरिंग। बदमाशों ने पुलिस के ऊपर की फायरिंग, गोली लगने से सिपाही घायल। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दोनों घायलों को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जिला बिजनौर के थाना मंडावर के बालावाली इलाके का मामला। जेड टीवी न्यूज 24 के लिए बिजनौर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। मैं हेड कांस्टेबल कुशल पाल सिंह। आज जो मुठभेड़ हुई, क्या है पूरा मामला? ये बदमाश है, हमारे थाने का HSB है, इसका नाम है जितेंद्र कुमार उप JK। ये हमारे थाना क्षेत्र का, इस पर 10 मुकदमे हैं। हमारे थाना क्षेत्र का ये HSB है और अभी एक मुकदमे वांछित चल रहा था। आज मुखबिरी की सूचना पर ये कहीं सूचना मिली, कहीं भागने की तरफ फिराक में लगे हुए थे, उसी की सूचना पर हम गए तो वहीं से मुठभेड़ हुई। हमने देखे फायरिंग करी पुलिस को देख के। ये क्या किसी और घटना को अंजाम देने के फिराक में थे ये लोग? बदमाश तो है ही हैं भैया, कभी कुछ भी कर सकते हैं। इनका कितने लोगों को गोली? तो एक के लिए। आपके भी लगी? हाँ। और बदमाश एक ही था सिंगल? बदमाश दो थे, दो भागे, तीन थे, दो भागे, एक ये पकड़ा गया था। कहीं से थे? बाइक से? कहीं से? हाँ, बाइक से थे।